आंटी क्यों घबरा गई भाई, सिर पे टोकरी ले रखी थी, बाइक को देखे घबरा गई भाई। मैंने सोच लिया था भाई आज टोकरी का नुकसान अपने सिर पे आएगा ना, टोकरी गिर जाएगी तो। चेक करो गाइस जाके टेम्पो में भाई साहब कितनी सारी भीड़ है, जो कि सारे के सारे बंदे बाइक को ही देख रहे हैं भाई। चाची तुम मत देखना भाई रोड क्रॉस करते हुए, सिर्फ मैं देखूंगा भाई, और किसी ने देखना ही नहीं है भाई। चेक करो ट्रक कैसे आ रहा है भाई, तुम ना देखना नीचे भाई, तुम्हें देखने की जरूरत थोड़ा है, तुम तो सबसे ऊपर हो भाई। रॉन्ग साइड से ले लेता हूँ भाई, आगे राइट हो जाऊंगा है ना, इधर भाई बस ही बस है ना, ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। चेक करो भाई टनल आ गया, टनल आए हाय हाय, क्या बेस है भाई निंजा का, क्या बेस है, क्या पटाखा था भाई। So hey guys, good morning, welcome back to the new vlog, welcome back to the new day, welcome back to the new episode. फिलहाल guys आज के vlog की शुरुआत हो रही है, दिन में पूरे करेक्ट 4:30 बजे, दोपहर का टाइम हो रहा है, पूरे करेक्ट यहाँ पे 4:30 हो रहे हैं। और फिलहाल जरा यहाँ चेक करो भाई, काफी दिनों के बाद ना घर में गर्मा गर्म लंच बना है, यहाँ पे राजमा की सब्जी है, साथ में गर्मा गर्म दाल वाले परांठे हैं गाइस। और मैं आपको बता दूं भाई फिलहाल ना स्टिल का प्लान क्या है, बैकएंड का, आज के ब्लॉग का प्लान क्या रहने वाला है। पहले तो गाइस आपको पता है कल हम लोग गए हुए थे रोहतक की भयंकर टाइप तगड़ी सी राइड निकालने के लिए, और आपको पता है यार फ्लो में ना हाथ पैर पे जो चोट लगी हुई है ना भाई, और ज्यादा स्वेल अप होगी, और ज्यादा इनमें दर्द बढ़ गया है। आपको पता है कल हम लोग टेरार के साथ अपने दूसरे वाले भाई के साथ मस्त करके फ्लो में अपनी ग्रीन बीस को लेके, निंजा 300 को लेके फाइनली 40-50 किलोमीटर दूर निकल गए थे, गोहाना से दूर निकल गए थे रोहतक की तरफ। लेकिन भाई डॉक्टर ने ना स्ट्रिक्टली 99% बिल्कुल मना कर रखा है कि तूने तो भाई बाइक तक ना देखनी नहीं है भाई, चलाने की बात तो बहुत दूर है, लेकिन जो तुम्हारे भाई का दिल का जिगर का दिमाग का भाई टुकड़ा है ना, वो ओनली एंड ओनली अपनी बाइक है भाई, इसको चलाए बिना तुम्हारे भाई का मन तो बिल्कुल लगता ही नहीं है भाई। हर जगह सपने में चाहे और इन द रियल लाइफ हर जगह बाइक की बाइक दिखती है। सो अपने को राइड करने का ना बहुत ज्यादा तगड़ा क्रेज भी है, चुल भी है, और होप करता हूँ अपने ऑडियंस को भी राइड अच्छे से पसंद आती होगी। बाकी फिलहाल अभी तो दोपहर हो रही है, और जब बाहर का मौसम हो रहा है ना गाइस, ट्रस्ट मी इतना ज्यादा ना बाहर हीट ही हीट है, 30 डिग्री सेल्सियस बाहर का टेम्परेचर है। तो भाई अभी तो जाना बाहर बिल्कुल भी मजेदार रहेगा नहीं, ना तो राइड का व्यू अच्छा आएगा, हर जगह धूप ही धूप है। सो हम लोग वेट करेंगे, जैसे धूप गायब होगी वैसे हम लोग अपने ग्रीन बीस्ट को, निंजा 300 को लेके निकल जाएंगे बाहर छोटी सी क्रेजी सी और अच्छी सी राइड के लिए। सो लेट्स गो फॉर इट, बैक एंड पे काफी सारी चीजें चल रही हैं। आपको पता है हम लोगों ने KTM 390 का इंजन प्रोटेक्टर, इंजन गार्ड्स, लेग गार्ड्स प्लस साथ में अपना मैग्नेट कवर कल के दिन पे KTM रोहतक से ऑर्डर कर दिए हुए थे, 15 से लेके 20 दिन में अपने पार्ट्स आ जाएंगे। एक बार फिर दोबारा से हम लोग 390 पे जैसे व्हीली बजाएंगे, राइड करके आएंगे, एज सून एज पॉसिबल हम लोग निकलने वाले हैं एक लॉन्ग राइड पे। कहां जा रहे हैं आपको आगे आने वाले व्लॉग में बताता हूँ, लेट्स गो गाइस। जैसे गर्मी शांत होती है खाते पीते हैं निकलते हैं यहाँ से, निंजा को करता हूँ कॉल स्टार्ट, सो लेट्स गो फॉर इट, निकलते हैं यहाँ से। So guys, here you can easily check out भाई, हम लोगों ने अपना ग्रीन बीस्ट फाइनली अपने घर की पार्किंग से बाहर लगा दिया हुआ है, निंजा 300 आपके सामने खड़ी है चमकती हुई। और गाइज मैं आपको बता दूं भाई, जो इसका सर्विस का टाइम है ना भाई, ड्यू होता जा रहा है, थोड़ा सा हम लोग ना लैग कर रहे हैं। आपको पता है यार हम लोग ना सिर्फ शाम को निकलते हैं भाई राइड करने के लिए, उससे ज़्यादा ना भाई फिलहाल अभी हाथ में पावर नहीं है कि हम लोग अपनी बाइक को चला के दिल्ली पहुँच जाएँ। सो पहले हील होना ज़रूरी है, अच्छे से ठीक होना ज़रूरी है, फिर इसकी सर्विस कराएंगे। बाकी ज़रा यहाँ चेक करो भाई, इसके इंजन के अंदर ना, यानी इसके मीटर के अंदर भाई इंजन चेक लाइट भी आ रही है, क्योंकि इसकी अभी सर्विस ड्यू है ना, एक सर्विस बची पड़ी है, वो करानी है भाई कंपनी से। अभी फिलहाल करते हैं भाई अपने निंजा 300 को आज के दिन पे पहली बार कोल्ड स्टार्ट, पहले दोनों मिरर लगा देता हूं भाई। ये चेक करो गाइस, फिलहाल अभी अपनी बाइक इनफ कोल्ड स्टार्ट है, हम लोग सोसाइटी से निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल तैयार हैं, लेट्स गो गाइस, चलो फिर। ओए सोसाइटी में तो गाइस आसपास भाई इतने सारे घर हैं, इतने सारे फ्लैट हैं, इतने सारे ना भाई गली हैं, दरवाजे हैं, दीवारें हैं, कि भाई आवाज़ तो फिर गूंजती गूंजती है अलग लेवल पे भाई।
सोसाइटी से निकलते वक्त अपने को आना कि जो पब्लिक है ना भाई कंटिन्यू स्टेयर करती है भाई तुम्हारे भाई की तरफ। और आज ना गाइस हमने यूनिक क्या करा है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। आज तुम्हारे भाई ने निंजा के साथ साथ पनी हेलमेट भी लगा रखा है, तो बंदे भाई एक्चुअल में स्टेयर करते हैं भाई, इन द सेंस घूरते हैं भाई। फिलहाल गाइस जरा यहाँ चेकआउट करो भाई, आज ना भाई अपने रोड से ये चेक करो भाई भैया को, अभी भी पीछे कोई ध्यान नहीं है भाई रोड को क्रॉस करते हुए। अब मुझे जरा कमेंट सेक्शन में ये बताओ अगर आप लोगों ने रोड क्रॉस करनी है भाई, आगे पीछे नहीं देखोगे तो कहाँ देखोगे भाई। गाइस मैं आपको ये बताना चाह रहा था आज ना भाई रोड पे बिल्कुल भी ट्रैफिक क्लियरली विजिबल है ही नहीं भाई, यानी इन द सेंस आज तो रोड पे ट्रैफिक बिल्कुल भी है ही नहीं। आज गाइस एक तो वीकेंड भी है और ट्रैफिक का नामो निशान नहीं है भाई, रोड्स वगैरह सड़कें वगैरह बिल्कुल खाली पड़ी है भाई, सिर्फ अपनी निंजा ही निंजा दिख रही है भाई। चेक करो भाई सनसेट कितना खतरनाक दिख रहा है भाई, पूरा आसमान ऑरेंज ही ऑरेंज है भाई, इट लुक्स लाइक नाइस भाई नाइस। ये चेक करो भाई रोड पे कितने बड़े बड़े पार्ट्स पड़े हैं भाई साहब कारवार के ना भाई, कसम से कह रहा हूँ भाई ये तो हाथ में चोट है वरना रुक के ना भाई जरूर इसको ठीक करता, क्योंकि भाई यही मेन चीज है जो कि रोड पे एक्सीडेंट कराते हैं भाई, चाहे वो टू व्हीलर हो वो भी स्लिप होगा ही होगा, कार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बड़े व्हीकल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भाई टू व्हीलर को तो अच्छे से घुमाने के लिए गिराने के लिए ये पार्ट काफी है भाई। रॉन्ग साइड से ले लेता हूँ भाई, आगे राइट हो जाऊंगा है ना, इधर भाई बस ही बस है ना, ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। एक बात तो है गाइस सेकंड थर्ड गियर पे ना जो भाई साहब निंजा 300 को खींचने का मजा है स्वेयर गाइस, और किसी गियर पे खींचने का मजा नहीं है भाई, कावासाकी की बाइक्स को ना जितना सेकंड थर्ड पे मजा आता है यार, बिलीव मी क्या पावर प्रोवाइड करती है ना। ओए प्योरली क्रैकल्स मुझे विजिबल है भाई, ऐसे पट पट करके निकल रहे हैं ना बैक फायर्स। आंटी क्यों घबरा गई भाई, सिर पे टोकरी ले रखी थी बाइक को देख के घबरा गई भाई, मैंने सोच लिया था भाई आज टोकरी का नुकसान अपने सिर पे आएगा ना, टोकरी गिर जाएगी तो। चेक करो गाइस आगे टेम्पो में भाई साहब कितनी सारी भीड़ है जो कि सारे के सारे बंदे बाइक को ही देख रहे हैं भाई। क्या खिंचाव पड़ता है ना भाई, क्या खिंचती है अपनी बाइक, जगह दो जगह दो जगह दो जगह दो, ओए ओए क्या शानदार लीन पड़ता है भाई निंजा पे, इस बाइक पे ना पूरा भरोसा है भाई, दिल रखे ना जान रखे पूरा भरोसा है कि बाइक ना पूरी चीज पक्के चलती है भाई जमीन से। इको स्पोर्ट को चेक करो भाई साहब, एकदम रॉन्ग साइड आ रहे ना बंदे, इनके अकल में ना भाई साहब घुसती नहीं है एक बार बात भाई। गैस जो बंदा ना भाई साहब एक बार बात समझाने से नहीं समझता ना उसको क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में आप बताओ भाई, अब मैं नहीं बताने वाला आप लोग क्लियर करो। और आपको ना थोड़ा बेसमेंट में अंडरपास में निंजा 300 की फुल सिस्टम टाइटेनियम के साथ एग्जॉस्ट की आवाज सुना दो भाई अच्छे से प्यार से। चेक करो भाई टनल आ गया टनल, हाय 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 क्या बेस है भाई निंजा का, क्या बेस है, क्या पटाखा था भाई, इसे शोरली ना मैं भाई दिल से एंजॉय करता हूँ भाई 300 को चलाते हुए। इधर से निकल जाए क्या, चलो लेट्स गो। चेक करो भाई साहब कैसे रिक्शा पे ना पूरा का पूरा पेड़ जा रहा है यार, चाची तुम मत देखना भाई रोड क्रॉस करते हुए, सिर्फ मैं देखूंगा भाई और किसी ने देखना ही नहीं है भाई। राइड के दौरान ना काफी इंसिडेंट ऐसे होते हैं भाई जिनसे ना भाई जिगर में गुस्सा उठता है, लेकिन ठीक है भाई क्या करे चलना पड़ेगा भाई दुनिया के हिसाब से। तो
भाई हम लोग ना भाई जल्दी ही जाने वाले हैं निंजा की सर्विस कराने, क्योंकि आपको पता है भाई पहले भी एक बार मसला हो चुका है, इसकी इंजन चेक लाइट आती थी जब, एक बार फिर दोबारा से इंजन चेक लाइट आ रही है भाई। चक्कर ट्रक कैसे आ रहा है भाई, तुम ना देखना नीचे भाई, तुम्हें देखने की ज़रूरत थोड़ा है, तुम तो सबसे ऊपर हो भाई। ऐसे बंदे बहुत घूमते हैं यहाँ पे ना भाई, एक तो ट्रक को रॉन्ग साइड लेकर के आ रहे हैं ऊपर से भाई, दिमाग में मच्छी पाई करते हैं भाई, इन द सेंस दिमाग को खराब करते हैं भाई। चलो गाइस रोड पूरा ना भाई सब भरा भरा है, इन द सेंस पूरा भाई क्राउडेड आया है, लेट्स गो गाइस, निकालते हैं ना मस्त करके निंजा को, थोड़ा स्पीड अप करते हैं। कहाँ जा रहा है भाई साहब, ये चक्कर हो गाड़ी का शीशा तक नहीं है भाई, बंदा देखेगा अभी तो क्या ही देखेगा भाई, ऐसे बंदे तो ठोकते हैं भाई सीधा, और गलती फिर हमारी निकालते हैं ना भाई। चक्कर हो गए, क्या ही जुगाड़ बन रखे ना भाई साहब ट्रैक्टर वैक्टर को लेके जाने के भाई, आपने कभी देखा होगा, कभी नहीं भाई बार बार भी देखा होगा, बहुत बार देखा होगा कि भाई एक बाइक जो ठीक होती है वो खराब वाली बाइक को पीछे ना टो करके लेके जाती है। अब मुझे ये बता दो भाई इनमें से सही ट्रैक्टर कौन सा है और ख़राब कौन सा भाई, लग रहा है पीछे वाले दोनों ख़राब हैं, आगे वाला ठीक है ना, सही है भाई, क्या ही जुगाड़ है भाई मस्त, जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ भाई तीन चीज़ें इकट्ठे ठो कर जा रही है ना। ओ माई गॉड गाइस कितनी सारी गायें खड़ी है भाई डिवाइडर के ऊपर नीचे यार, एनिमल से ना थोड़ा बच के ही चला करो भाई। ओ भाई ब्रेक मारना ही होगा, गाय का बहुत सारा झुंड है, चारा दे के आ रही है ना सारी गायें यहाँ पे, पहले मैं निकल जाता हूँ भाई। बाकी गाइस होप करता हूँ आज वाला व्लॉग प्लस आज वाली छोटी सी राइड आपने दिल से पसंद की होगी, सो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, कल मिलता हूँ नए व्लॉग में नई एनर्जी के साथ, थैंक यू सो मच गाइस। सनसेट वाला व्यू है, बहुत अच्छा सा व्यू है, जल्दी गाइस कहीं बाहर ट्रैवल करने वाले हैं, बहुत दूर की बहुत लंबी ट्रैवल रहने वाली है, बहुत लंबे व्लॉग्स आने वाले हैं, लेट्स गो गाइस, थैंक यू सो मच, पीस आउट, मास्टर लवेश नारंग, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, चलो गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।